नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशीराम मल्होत्रा। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ में मस्त होंगे। आज इतवार का दिन है और हम लोग निकल रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव के पे, मैं और गीता जी। अभी आए हैं पेट्रोल पंप पे, टंकी फुल करा लेते हैं, ज़्यादा तेल तो नहीं आएगा लेकिन जितना भी है, और उसके बाद में आगे चलते हैं कि कहाँ तक आज पहुँचते हैं। आज काफ़ी जगह जाने का प्रोग्राम है, देखते हैं, बने रहिए हमारे। ये आया कि 1200 रुपये का तेल, क्योंकि टंकी लगभग फुली थी, लेकिन हमने कहा दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं तो टंकी फुल करा लेते हैं। टंकी बहुत सस्ते में फुल कर दी इसने आज। ये ट्रिप पर लीटर हमने कर लिया जी 0, 10 बजने को है और हम निकल रहे हैं द्वारका से। अब बारिश हो रही है जी बाहर झमाझम, आज तो सुबह से बारिश लगी हुई है। ये कितना पानी भरा भाई, लेकिन गाड़ी वाले हैं कुछ तो उड़ाते हुए चलते हैं पानी को। भैया ऐसे मत करो, जो पैदल यात्री चल रहे हैं उनका भी ध्यान रखो, पानी तो काफ़ी है। देखो जी बाढ़ आ गई है, पूरी दिल्ली जलमग्न हो रही है जी पूरी। हम चलते हैं आराम आराम से भाई, हमारी वजह से किसी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कहेंगे जी ऊंची गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो पानी उड़ाते हुए चल रहे हैं। कैंपिंग का पूरा सामान है जी, फुली लोडेड गाड़ी जा रही है, खाने पीने के सामान से लेकर सारा कुछ ही। करीब हमने हफ्ते 10 दिन का सामान रखा है, बाकी समय बताएगा कितने दिन हम रुकते हैं। ये पालम फ्लाईओवर के ऊपर से निकल रहे हैं, बारिश कुछ कम हुई है, अब हल्की फुल्की फुहार है। देखिए सामने क्या शानदार मौसम है, बादल की छटाएं। भाई ये सावन के महीने में हरियाली बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, ऊपर वाले की नेमत है, सूखे पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं। आज संडे का दिन है, रश भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अखबार में आया हुआ है जी, 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बारिश ने, इतनी बारिश हुई है कल। ये हम लोग पहुंच गए जी चिराग दिल्ली, और यहां से जाएंगे पुष्पा भवन। चिराग दिल्ली का एरिया भी काफ़ी डेवलप कर दिया, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। हरियाली बहुत अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है कुछ उल्टे हाथ के ऊपर, शेख सराय से आगे सामने ही। भाई जेसीबी मशीनें खड़ी है थोक भाव में, जेसीबी है। वाह भाई वाह, ये आ गए जी यहाँ से। ये अन्नू हमारे साथ जा रहा है, इसका नाम भी अज्जू है भाई, एक अज्जू और मिल गया। आ भी अन्नू भाई, ये खड़ी है गाड़ी और निकल रहे हैं भाई। ये फैंस आए हैं कुछ, ये काफ़ी देर से गाड़ी देख के इकट्ठा हुए थे। कितने सारे हो भाई? हाँ बहुत सारे हैं। चलो भाई कितने सारे, बस 5 ही हो? अच्छा, और भी आ रहे हैं भाई, और भी आ रहे हैं। इधर हो जाओ इधर साहब। ये हमारी तरफ से, ये हमारे चाहने वालों की एक छोटी छोटी भेंट, ये पढ़ाई करते हैं काम आएंगे इनके। तो भाई ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है, ओके लो। थैंक
अभी ओके थैंक यू ओके। आप भी पढ़ते हो? पढ़ते हो? लो ठीक है, लो जी आप भी लो, ठीक है भाई, ये लो आपके लिए भाई, इसी माने ये आपके लिए है। चैनल ले भाई, चैनल का नाम है लो भाई, चैनल देखना होगा। थैंक यू एवरीवन, सेल्फी लेने जा रहा है साथ में, सेल्फी। हाँ हाँ सेल्फी लो, आ जाओ भाई एक साथ खड़े हो जाओ ना, अरे लोग हो गई। निकल चुके हैं जी पुष्प विहार से और हमारे साथ में जा रहा है अज्जू, ये मेरे बड़े साले साहब हैं, उनके बड़े पुत्र हैं, ये साथ में जा रहे हैं। आज हम जा निकल रहे हैं हस्तिनापुर, मैंने आपको कहा था आज काफ़ी लंबी जर्नी है। ये बाहर का मौसम देखो जी क्या शानदार हो रहा है, इस टाइम बारिश कुछ कम हुई है और रश बढ़ गया उसी के साथ। ये नेहरू प्लेस पार हो रहे हैं जी, पारस सिनेमा आ गया, बहुत पिक्चरें देखी हैं इस सिनेमा हॉल में पारस में, बहुत ज़्यादा। हम छोटे छोटे होते थे 2 रुपये 2.25 रुपये की टिकट मिल जाती थी भाई साहब वो समय बतला रहा हूँ। ये पहुँच गए जी हम लोटस टेंपल और कालका जी मंदिर। बोलो कालका मैया की जय। ये पहुंच गए थे हम सराय काले खां सूर्य घड़ी। काम चल रहा है दबा के। अभी समय है भाई कुछ सुधार के लिए, अभी कुछ समय लगेगा। हाँ लेकिन उसका सुख ना हमारे बच्चे जरूर सब भोगेंगे जब तक हम बुढ़े हो जाएंगे, क्योंकि जगह जगह फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं। जय जमुना मैया, जमुना जी को पार कर रहे हैं भाई, सही लबालब भरी हुई है अब तो। जय हो जय हो भाई। जब भी जमुना जी को आता हूँ और जाता हूँ ना प्रणाम जरूर करता हूँ। बचपन में किसी शादी में आया था तो वहाँ पर जब दूल्हा जाता था तो जमुना मैया से आज्ञा लेके फिर जाता था, तो अपने दिमाग में हमेशा से वही लगा रहा है, जब भी आता हूँ जाता हूँ तो हाथ जरूर जोड़ता हूँ। पहले कुछ पैसे भी डालते थे इसमें कि भाई मन की होती है, लेकिन अब कई बार ना वो चलान चुलन वाले खड़े रहते हैं कि जी आपने कुछ डाली है, इसकी वजह से फिर मैं अब रुकता नहीं, हाथ जोड़ के निकल जाता हूँ। और आगे जी हम ये मुरादाबाद ये हाईवे वाले पे, अब आगे हमारी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ जाएगी, इसमें बाइक नहीं जा सकते हैं। भाई साहब भोलों के लिए कावड़ जो भोले लेके आ रहे हैं उनके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है, जगह जगह शिविर लगे हुए हैं यार, मन खुश सा हो जाता है ये सब चीजें देख के। भाई मौसम तो इधर बहुत जबरदस्त खराब हो गया। ये भाई हम लोग हैं इस टाइम गाजीपुर के रोड पे, मेरे का थोड़ा सा व्लॉग बना लूं। अरे सामने देखो पहाड़, कितनी चील उड़ रही है, बहुत ऊंचा पहाड़ है यार, इतनी जल्दी थोड़ा ख़त्म हो जाएगा जो सरकार बोल रही है, टाइम लगेगा इसमें भी। बहुत ज़बरदस्त दुर्गंध है, देखो चील कितनी उड़ रही है दबा के। और मौसम देखो जी, मौसम के नज़ारे ये देखो, क्या शानदार मौसम है, ये मौसम की बारिश, बहुत बढ़िया मौसम है भाई। आज करीब भाई साहब 1 महीने के बाद में कहीं दिल्ली से बाहर निकलना हो रहा है, कि दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, कुछ मन हो रहा है, कुछ उत्साह भी हो रहा है,
काफी दिनों बाद निकलो तो अच्छा लगता है। कुछ भाई जिम्मेदारियां हैं जो आपको ये सब चीजें नहीं करने देती, कुछ जिम्मेदारियों के हिसाब से आपको चलना पड़ता है कि जी आज नहीं तो कल ये करना है, परसों वो करना है, लेकिन समय निकाल के चल पड़े आगे। और ये हमारी हमसफर है जी गोरखा, जो हमारे को लेके जा रही है। चलते हैं दोस्तों आगे। देखो जी क्या शानदार मौसम है, और ऐसे मौसम में घूमने का, बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। वाह भाई वाह, इसी मौसम के लिए तो निकले हैं हम। दिल्ली का बॉर्डर भाई क्रॉस कर लिया, अब हम आगे गाजियाबाद यूपी के अंदर। यूपी में आपका स्वागत है घनघोर घटाओ के साथ में। भाई पहले इसी रास्ते के अंदर मोटावाड़ी करके 4 घंटे लग जाते थे मेरठ जाने में, अब यहाँ से आप 2 घंटे के अंदर पहुँच जाते हो, आधा रास्ता आपका निपट जाता है। और आगे बारिश बहुत तेज है भाई, रोड पूरी गीली हो रही है और भयंकर वाली बारिश है, ऊपर ही कर दो भाई इसको। एसी चला लेते हैं, ये देखो जी बारिश होगी तेज। तेज बारिश होगी, लग ही रहा था मौसम। देखो जी बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज तेज वाला भाई पसंद है भाई। वाइपर और एक नंबर और बढ़ाना पड़ेगा। देखो जी भोले खड़े हैं, जय हो भोला शंकर भगवान की जय। ये देखो ये चीज नुकसानदेह है, ये देख रहे जी ये नुकसानदेह है। गाड़ी एकदम ब्रेक अपने आप ही ब्रेक ले लेती है, और बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, आगे कुछ नजर नहीं आता। अगर आप कभी चल रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखे। मेरे साथ एक बार हो चुका है, मैं हरिद्वार से आ रहा था उस टाइम, भाई साहब आगे कुछ नजर नहीं आता, अगर आगे कोई गाड़ी है तो पक्की बात है दुर्घटना होगी होगी। भाई पूरे रास्ते बारिश चल रही है, ये देखो जी गाड़ी वाले इतनी रफ चलाते हैं, भगवान ब्रेक भी नहीं लेगी गाड़ी, कहाँ पहुंचना है इनको जल्दी। ये जो मेरे आगे गाड़ी चल रही है ये नेशनल हाईवे की पेट्रोलिंग टीम है, जो गश्त लगाती रहती है कि आपको इनसे कोई मदद की जरूरत नहीं हो, ये आपकी मदद के लिए हमेशा ढूंढते रहते हैं। भाई ड्रोन उड़ाने के लिए रुका था कि ड्रोन उड़ाऊंगा, लेकिन बारिश फिर आ गई है। अब आपको पता है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, अगर एक दो बूंद भी अगर चली गई तो ख़राब हो जाएगा। कोई बात नहीं, फिर समय आएगा फिर देखते हैं, फिलहाल तो हाईवे पे मज़े ले रहे हैं भाई, बड़ा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो जी क्या हरियाली है, भाई आज गाड़ी की स्पीड 70 और 80 से ऊपर नहीं चला रहा, 70-80, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आराम से इंजॉय करते हुए चल रहे हैं। और एवरेज का भी फर्क है, गाड़ी चल गई है नेट 80 किलोमीटर और अभी तक एक पॉइंट भी कम नहीं हुआ है। और देखो जी बारिश फिर दोबारा से ज़बरदस्त हो गई है, बहुत ज़बरदस्त बारिश है। ये वाइपर चल रहा है 3 नंबर पर। रास्ते बारिश मिल रही है भाई साहब लगातार, बस कहीं एक आधा किलोमीटर बंद हो जाती है फिर दोबारा तेज बारिश होगी।
पूरे रास्ते बारिश है। ये भाई आ गए हम टोल पे, पहला टोल शुल्क प्लाजा, नाम चेंज कर दिया जी, टोल की जगह शुल्क प्लाजा कर दिया। फास्ट ट्रैक वाले भाई साहब मेरठ हाईवे हो गया अब ख़त्म। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे मेरठ शहर के अंदर, ये राइट की तरफ मुड़ लेते हैं। बारिश अभी भी आ ही रही है भाई। ये गुफा के अंदर से जा रहे हैं जी हम। भाई 2:15 बज गए और हमने इस रेडी वाले भाई के पास में खाना है जी, शाकाहारी बिरयानी। और देखो भाई कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ चीज़ देखो स्ट्रीट फूड वाले भी बढ़िया चीज़ खिलाते हैं। भाई क्या क्या डाला है इसके अंदर, क्या क्या माल डाल रहे हैं? सभी है जी, प्याज भी है, भुनी प्याज भी है, मिर्च भी है, सब है। अच्छा कितने का पत्ता है? 30 रुपये का। 30 रुपये का कितना? 250 ग्राम। 250 ग्राम वजन के हिसाब से दे रहे हो हैं भाई, बढ़िया है। देखो रंगत मेरठ के अंदर अगर मैं कभी आता हूँ तो यहाँ जरूर खाता हूँ भाई, किसी ना किसी रेडी पे, कोई एक विशेष दुकान से तो नहीं, किसी ना किसी एक रेडी से जरूर खाता हूँ भाई। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मेरठ से और रैपिड मेट्रो का काम बहुत दबा के चल रहा था, 6-7 महीने में पूरा हो जाएगा ये सब। ये देखो दिल से खिला रहा है, प्याज भूज इसने बढ़िया से धोए हैं, भुने हुए प्याज, हरी मिर्च सब चीज दे रहा भाई है। ये नींबू भी निचोड़ दिया भाई, कड़वा तो नहीं है नींबू है भाई। ये आ गई अपनी प्लेट, ये देखो रंग देखो यार भाई, ये डोगी सिर्फ सोयाबीन सोयाबीन खा रहा है। ले भाई ले सोयाबीन और खिलाता हूँ, ये ले सोयाबीन खा रहा है बड़े शौक से और मुंह देखा जा रहा है। ये भाई भरा हुआ है मेरठ में बहुत पानी है, बस ध्यान से चलाओ, खड्डा नहीं होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी वजह से किसी भाई के ऊपर छींटे नहीं पड़नी चाहिए, आराम आराम से। भाई मेरठ में तो पूरे में बाढ़ आई हुई है, ये देखो जी सभी जगह है ये बारिश बहुत तेज है, दिल्ली में भी यही हाल है, दिखाते तो हैं। पानी पानी अभी भी बादल पूरे भरे हुए हैं। भाई बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया से आ रहे हैं, मेट्रो की वजह से उन्होंने काफी सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। लो जी फिर आ गए जलमग्न। ओ भाई ओ भाई वो गड्ढा खाली कर रहे हैं, गड्ढा रुक जा, गड्ढा खाली कर रहे हैं। पुलिस बहुत हो रही है भाई, पूछना पड़ेगा इससे। हेलो
गाजर, हाँ गाजर इससे पूछते हैं मवाना। भाई ये मवाने कौन सा रास्ता जाएगा? भैया मवाने कौन सा रास्ता जाएगा? मवाने मवाने फिर आगे थी पानी पानी, एक पानी का दरिया है और तैर के जाना है। वैसे भरा भाई आगे तो और ज़्यादा भरा हुआ पानी। चलो कोई बात नहीं भाई, हमें अपनी गोरखा पे पूरा पूर्ण विश्वास है। ये अभी गिर जाता है स्कूटर वाला हमारे आगे, ये देखो बच्चे से अनबैलेंस हो रही है। यहाँ ज्यादा है भाई कुछ, ज्यादा गहराई आ गई। लो जी सारे लोग बाग भीड़ लगा के देख रहे हैं जी गाड़ी को हमारी। मेरठ में भाई बहुत बारिश हुई है, ये आप हाईवे से जा रहे हैं जी हस्तिनापुर वाले रोड पे। बारिश ही बारिश है पूरे रास्ते। भाई नया इन्होंने फ्लाईओवर या रोड बनाए हैं बहुत शानदार, मुझे लग रहा हम शायद देहरादून वाली रोड पे आ गए जो इन्होंने नई रोड बना रहे हैं। बाकी आगे जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन रोड बड़े शानदार है। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, बहुत अच्छे रोड है। थोड़ा कर दिया इन रोडों को काफी। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ जी, अभी ये देखिए 121 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और एक पॉइंट भी कम नहीं हुआ है, मतलब इतनी अच्छी एवरेज दे रही है गाड़ी इस टाइम। और हम लोग मेरठ पार कर चुके हैं, मेरठ से काफी आगे आ गए हैं, मवाना के नजदीक हैं अभी हम। अच्छी एवरेज दे रही है गाड़ी। ये जा रहे हैं जी कावड़िए, यहाँ की हरियाली देखो जी बहुत शानदार रोड बन गए हैं। हम लोग जा रहे हैं जी अब हस्तिनापुर, वही हस्तिनापुर कौरव पांडव वाला गीता जी का मेन जो घर है जी यहीं पे है, यहीं पे इनका जन्म हुआ है, यहीं पढ़ी लिखी है। आज करीब 1.5-2 साल बाद जा रहा हूँ इस रास्ते से, हरियाली देख के मन खुश हो जाता है। यहाँ पर यहाँ लगभग हरियाली रहती रहती है। भाई हम खड़े हैं स्टेम मवाना, जम्मूदीप यहाँ से रह जाएगा करीब 10-1 किलोमीटर के आसपास। मवाना भी बहुत अच्छी बसावट होगी है, किसी टाइम के अंदर तो बिल्कुल सुनसान खाली हुआ करता था, अब तो बहुत ज़्यादा बसावट है यहाँ पर। और यहाँ शुगर मिल आपने सुनी होगी, मवाना की चीनी वो बहुत मशहूर है यहाँ पर। पिताजी क्या लाए हो? आम। ये आम लाए, यहाँ सस्ता है आम, क्या रुपए है? 40 रुपए, 40 रुपए किलो दशहरी आम, बहुत मीठा है।
वाह भाई वाह, बहुत सस्ता आम लिया है यहाँ तो भाई। यहाँ पर आम के बाग बहुत सारे हैं ना, इसी वजह से सस्ता है। चलो जी आ जाओ। ये देखो जी, ये आ गया मीरापुर हस्तिनापुर, हस्तिनापुर 10। ये देख लो आम की गुठलियां दिखा रही है। ये भाई देखो जी, बुग्गी बनवाई है नई। भैंसा गाड़ी बुग्गी। और मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा भाई बांध के। वाह भाई वाह। भाई यहाँ भी खूब बारिश हुई है दबा के। देखो जी यहाँ भी खूब पानी है भाई। अपनी की वजह से किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए भाई। जाओ आराम आराम से चलो। झमाझम बारिश हुई है और अभी भी पूरी बादल पूरे पानी से भरे हुए हैं, काली काली बदराव। रोड तो बड़े शानदार बना दिए भाई इन्होंने हस्तिनापुर के भी। साइन बोर्ड भी बहुत सारे लग गए। अच्छा जी, नहर खाली चल रही है, इतनी भरी हुई नहीं है नहर। खाने पीने का सामान चल रहा है यहाँ पर, खूब सारी रेहड़ियाँ हैं। पहले कम लगती थी तो बहुत रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। ये हस्तिनापुर यहाँ से रह गया जी 5 किलोमीटर। जम्मू द्वीप उस जगह को बोलते हैं, जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है ये भी, जम्मू द्वीप हस्तिनापुर के अंदर। ये मुड़ गया जी, हस्तिनापुर 4 जम्मू द्वीप 5। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। हरियाली बहुत है भाई साहब यहाँ। यहाँ पर सारा देखो जी कुछ कुछ कोरा कोरा सा हो रहा है, क्योंकि सड़कें ना पानी से तरबतर हुई पड़ी है। हल्की हल्की ठंडक सी हो रही है यहाँ, और हरियाली की वजह से कोहरा कोहरा हल्का हल्का रह रहा है यहाँ पर। बारिश लगातार हो रही है यहाँ पर। ये गोरखा पहली बार आई है जी हस्तिनापुर, और यहाँ की हरियाली देखो भाई साहब, कितनी हरियाली है दूर दूर तक। गांव में आके भाई साहब ये चीज़ आपके मन को मोह लेती है। हम कहाँ शहरों के अंदर रहने वाले इसी हरियाली को तरस जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, हर तरफ हरियाली है भाई साहब, कहीं भी देखो। ये भी खुश हो गई है यहाँ हरियाली में आके, ये भी हरी भरी हो गई है। ये देखिए जी क्या लिखा है, महाभारतकालीन ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर की पावन भूमि में आपका स्वागत है। जी थाना हस्तिनापुर, काफी साल पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा का वैसा ही है। नए कॉलेज वगैरह बन गए हैं और ये मार्केट है यहाँ की।